टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको आपके चैनल लेटेस्ट न्यूज में। जी हां दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आज से इन बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है। आपको मैं ये भी दिखा के बताऊँगा। और मैं दोस्तों आपको बता दूँ, जितने भी भाई लोग वीडियो में कमेंट किए थे कि सर मेरा स्टेटस ब्ला ब्ला प्रकार का शो हो रहा है तो मैं क्या करूँ, दोस्तों मैं सभी बच्चों के कमेंट के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप सब, बहुत से बच्चों का स्टेटस सेम रहता है तो आपको भी सोल्यूशन मिल सकता है। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं सारे कमेंट के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं दोस्तों। तो बहुत से बच्चों का नाम मैं इसमें लेने वाला हूं, तो सभी बच्चे आ सकते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग पूरे शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्टेटस कैसा है, तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबको देख लेना है वीडियो को लास्ट तक, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर मेरा नाम तो नहीं लिया इसमें आपने, तो मैं सबका नाम लेने वाला हूं। आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है दोस्तों। तो बिना देरी के अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो यहां पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं यहां से चालू कर लेता हूं। कल जितने बच्चे कमेंट किए थे उनके सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं। यहां पे देख सकते हैं अमित कुमार करके कोई है, तो बोल रहे हैं कि मैं बस्ती में हूं, मेरा फॉर्म रिन्यूअल है, मैं DLED थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूं। भाई OBC छात्र छात्राओं का शुल्क प्रतिपूर्ति व स्कॉलरशिप कब आएगा? मेरा पहले फॉर्म पूरा करेक्ट था, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर से सही था। आप करंट स्टेटस में ये दिखा रहा है कि ब्लॉक ड्यू टू 31% ट्यूशन इन प्रीवियस ईयर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का स्टेटस अगर इस प्रकार शो हो रहा है तो उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी, आपको 5-10 तारीख तक इंतज़ार कर लेना है, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। तो ब्लॉक वालों को परेशान नहीं होना है, उनकी स्कॉलरशिप आएगी। तो मैं दूसरे बच्चों का ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं सर प्लीज़ जवाब दो प्लीज़। इनका क्या जवाब है भाई? सर मेरा फॉर्म शुरू में रिजेक्ट हो गया था, प्रमोटेड विदाउट मार्क रीजन दिया था, तो मैं क्या करूं? भैया मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का रिजेक्ट हो चुका है तो प्लीज़ आपको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है, आप परेशान मत होइए, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपका रिजेक्ट हो चुका है, वो भी मतलब आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको रिजेक्ट हो चुका है। तो आप परेशान ना होइए, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी KSM 143। तो आप परेशान ना होइए, मैं आपका भी सोल्यूशन दे दिया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अप्रोच करके हैं, बोल रहे हैं ब्लॉग डायरेक्टर लिख रहा है, क्या करना है पड़ेगा सर? भैया ब्लॉग, जिन बच्चों का ब्लॉग लिख रहा है तो उन्हें परेशान नहीं होना है, आप सबका सही हो जाएगा। तो अफरोज भाई आप परेशान ना हो, आपकी भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं संजोली साहू करके कोई है, तो मास्टर फीस नॉट फंड स्टेटस है सर, क्या हो सकता है? तो ऐसा है संजोली साहू, आप परेशान मत हो, आपकी स्कॉलरशिप 5-10 तारीख का इंतज़ार कर लो, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, आपको ये सब कोई इशू नहीं है, टेक्निकल इशू के कारण ये सब हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है, तो आप परेशान ना होइए दोस्तों। यहाँ पे बोल रहे हैं दीपेंद्र एजुकेशन अड्डा, बोल रहे हैं कि सर जी मेरा पहले स्टेटस DWO से वेरीफाई था, बट अब फंड ख़त्म से हो रहा है, तो क्या आएगी या नहीं? तो भाई ऐसा है, जो स्कॉलरशिप का फंड है वो जिले वाइज से आ रहा है दोस्तों। स्कॉलरशिप का फंड कम होने के कारण जिले वाइज से आ रहा है, तो आप जिस ज़िले के हैं आपको इंतज़ार कर लेना है दोस्तों। अगर आपके ज़िले की कोई नोटिस आती है स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे इस्तिया क्यू अहमद है कोई, सर मेरा स्कॉलरशिप ब्लॉग शो कर रहा है 50% रिजल्ट कोड लेकर, लेकिन PFMs पर 15 डेज में बैलेंस शो कर रहा है। तो ऐसा है, आपका अगर बैलेंस शो कर रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आ गई रही होगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, 50% आपकी स्कॉलरशिप जो है रिजल्ट है, तो आपका अगर सही रहता है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी 5-10 तारीख के बीच में। एक सेमी करके हैं, सेमी बोल रहे हैं कि मेरा स्टेटस वेरीफाई है, 2 मंथ से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है,
तो वैसा है सेमी भाई, आप प्लीज़ आप लोग इंतज़ार कर लो, 5 से 10 तारीख तक आपकी भी आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे नूर अंसारी है, ये भी बच्चा डे वन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो नूर अंसारी आप परेशान ना हो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ और आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी नूर अंसारी, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ आपने जब 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 डे वन से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप 100% मैं ला के छोड़ूंगा। दोस्तों जो जो बच्चे हमारे साथ डे वन से जुड़े हैं उनकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको इसी प्रकार जुड़े रहना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नूर अंसारी बोल रहे हैं कि सर बीएड फर्स्ट ईयर की कब तक आएगी, बाराबंकी ज़िले की। ऐसा है आप बाराबंकी ज़िले के हैं तो आपको 5 से 10 तारीख का इंतज़ार कर लीजिए। नूर अंसारी आपकी, नूर अंसारी शायद नाम इनका है, नूर अंसारी, तो नूर अंसारी आप 5 से 10 तारीख का इंतज़ार कर लीजिए। आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी yadvanshi2456 पे मैसेज करके आप अपने सारे सवालों के जवाब ले लीजिएगा, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, आपको परेशान नहीं होना है, आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रूबल जयसवाल करके कोई है, ये बोल रहे हैं कि सर सर 50 से कम वालों की सही कराना पड़ेगा कि खुद सही हो जाएगा। ऐसा है रूबल जयसवाल, आपको 2-4 दिन का इंतज़ार कर लेना है, स्टेटस एक बार फिर से अपडेट होने वाले हैं, तो आपका अगर सही रहेगा तो आपका भी अपडेट हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना। इन बच्चों को यहाँ पे लिखी है शर्मा राम त्यागी, थैंक यू सर, ये बोल रही हैं थैंक यू सर, बोल रही हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का कब तक आएगा सर, क्योंकि मेरा रिजल्ट नॉट डिक्लेयर शो कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है सर प्लीज़। ऐसा तो अगर शर्मा राम त्यागी, अगर आपका ऐसा नहीं है जी, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि आप 5 तारीख तक इंतज़ार कर लीजिएगा, अगर स्टेटस में अपडेट होता है तो आपका सही कर दिया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी। और यहाँ पर अंकित तिवारी बोल रहे हैं कि डेलेट की कब तक आएगी, तो ऐसा है बेटा 5 से लेकर 10 तारीख का इंतज़ार कर लो, आप स्कॉलरशिप आ जाएगी। मोहम्मद खुशरत बोल रहे हैं कि सर मेरा सब कुछ वेरीफाई है फिर भी नहीं आया है, तो भाई आपको भी इंतज़ार कर लेना है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आरके रेटिंग वाला देखो आ चुका है, ये बंदा है बहुत ही अच्छा बंदा, ये डे वन से हमारे साथ जुड़ा है, इसकी स्कॉलरशिप आएगी। तो ये बोल रहा है कि डेलेट वाली स्कॉलरशिप के बारे में आया है, तो ऐसा अभी बच्चे कुछ नहीं आया है, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, आपकी स्कॉलरशिप फिर से आएगी, आपको परेशान नहीं होना है, आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार मैं आपको पहले वीडियो में भी नाम लिया था, इस वीडियो में भी आपका मैं नाम ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक सोनू कश्यप करके हैं, बोल रहे हैं कि सर अनवेलेबिलिटी नॉट फंड है सर, क्या आएगा सब कुछ वेरीफाई है, तो ऐसा सब कुछ वेरीफाई है सोनू कश्यप, तो आपका 100% आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। सर बहुत परेशान हूँ सर रिप्लाई, आपको परेशान नहीं होना है सोनू कश्यप, आपकी स्कॉलरशिप 100 में से 99% आ सकती है, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका सब कुछ वेरीफाई है, आपको परेशान नहीं होना है, आप सबकी स्कॉलरशिप आएगी। हर्षित मिश्रा बोल रहे हैं कि सर मेरा ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है, जबकि डिसबर्ट कर दी गई है, बताएं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका अभी स्टेटस अपडेट होने वाला है, आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी 11th क्लास की कब तक आएगी, तो भैया ओबीसी वालों की स्कॉलरशिप आने के कम चांसेस हैं, लेकिन एससी माइनॉरिटी और जनरल वालों की स्कॉलरशिप आ रही है, तो मैं आप सबको बता देता हूँ बहुत से बच्चों की स्कॉलरशिप आई है। कल मुझे एक बच्चा ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया कि सर मेरी स्कॉलरशिप आ गई है, तो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, मैं आप सबको दिखा देने वाला हूँ। कल एक बच्चे ने मुझे यहाँ पर किया था कॉल, मैसेज किया था कि सर मेरा आ चुका है स्कॉलरशिप, तो मैं आप सबको दिखा देता हूँ स्कॉलरशिप उस बच्चे का आया था, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं सब कुछ दिखा के बातें करने वाला हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप सबको दिखा के यहाँ पर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किंग अशोक सिंह करके कोई है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कमेंट में लिखे हैं कि सर मेरी आ गया है, तो इनका आ गया है, तो मैं इनसे इंस्टाग्राम पे बोला था इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, तो मैं इनसे सब कुछ बात किया था, तो ये डेलेट के स्टूडेंट थे, इनकी स्कॉलरशिप आ गई है दोस्तों, तो सबकी स्कॉलरशिप आएगी, तो आप लोग परेशान ना हो, सब बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी, बस आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखना है, अच्छा लगे वीडियो तो आपको लाइक कर देना है, और जितने भी बच्चों के सवाल नहीं कम्प्लीट हुए हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके सारे सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो में बना के फिर से लाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।